बदमाशा ने सड़क विचाले ही एक चलती बस नू रोक दिता ते ड्राइवर दी बदमाशा ने जम के कुट मार दिती। इथों तक ड्राइवर दा बचा करन आईया सवारियां दी भी कुट मार कीती। लाठी डंडिया नाल लैस होके आए इन्हां बदमाशा ने ड्राइवर ते धावा बोलिया ते सवारियां दी भी लाठी डंडिया नाल कुट मार कीती। उथे सड़क विचाले इस घटना तो बाद चीक चिहाड़ा मच गया। कुटमार करन तो बाद हमलावर फरार हो गए। हालांकि पुलिस पहुंची पर उस तो पहला ही यह हमलावर फरार हो चुके सन। पुलिस ने हुण सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उथे गुस्से दे विच आए ड्राइवर ने बस सड़क ते ही खड़ी कर दी, जिस कारण लंबा जाम भी लग गया। यह बस एक निजी कंपनी की बस सी जिसते इन्हां बदमाशा ने हमला किया। हालांकि बस दे ड्राइवर की शिकायत ते पुलिस ने एक नामजद सहित 6 लोगों के विरुद्ध हुण केस दर्ज कर लिया ते जांच भी शुरू कर दी है। इस मौके ड्राइवर संदीप ने दसा है कि उन्हां दी बवाला पिंड दे रहण वाले टैंपू चालक रोबिन दे नाल कुछ दिन पहला ही बहसबाजी हुई सी अते रोबिन ने शराब के नशे दे विच उन्हां नूं गाली गलोच की सी, जिसे रंजिश दे विच ही उसने अपने साथियों नूं लिया के उन्हां ते हमला बोलिया अते उन्हां ने कहा है कि हमला हुंदे ही बस दे विच सवार लोग घबरा गए अते उसकी मदद कुछ महिलावां ने की, पर उन्हां उत्ते भी इन्हां बदमाशां ने हमला किया ते लुट खो करन दी भी कोशिश की। इस दौरान ड्राइवर ने यह भी इल्जाम लगाया कि हमला करते हुए इन्हां बदमाशां ने नकदी भी खोई है। फिलहाल पुलिस ने हुण 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भूपेंद्र कहाँ से आ रहे थे? पलवल से। क्या बात हुई, कहाँ पे क्या दिक्कत आई? कोई बात नहीं हुई, आगे लेके डंडा लेके आगे गाड़ी रुकवाई है, उसके बाद आप हाथ सफाई करिए। कोई गैस लूट के ले गए? गैस वगैरह भी छीन 800 रुपए थे मेरे जेब में। नाम संदीप है। कहाँ से गाड़ी ला रहे थे, क्या चला रहे थे? गाड़ी अपनी पलवल से धावड़ा चलाते हैं जी। ठीक है, पलवल से अपने धावड़ा की तरफ आ रहे थे, मंडी में सवारी उतार रहे थे। अचानक 3-4 बंदे आए और डंडों से गाड़ी के मारने को साइड से तोड़ दिया और वो लेडीज को भी मारी और फिर उतर के मेरे कंडक्टर को मारने लग गए। वो कहीं चोटें भी लगी? हाँ, चोट देख लो ना इसके पूरे शरीर। घबराने की जरूरत नहीं है, हम खड़े हैं।